अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब आई होप आप ठीक होंगे अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बस मैं आजकल रेगुलर नहीं हो पा रही कुछ मसरूफियत की वजह से लेकिन इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं रेगुलर आऊँ और अब डेली अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो चलें स्टार्ट करते हैं मैं आज जरा ये बाहर आई थी शॉपिंग के लिए कुछ घर की चीज़ें लेनी थी कुछ बच्चों की ग्रोसरी की मिक्स चीज़ें लेनी थी तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ये बड़ी अच्छी और बड़ी ना रिज़नेबल चीज़ें हैं और बड़ी मतलब कि मुझे तो बड़ी अच्छी लगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ बस घर आके मैंने निकाली थी सारी चीज़ें और मैंने कहा आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है तो ये सबसे पहले मैंने माघ लिए थे मेरा ना माघ टूट गया था तो वो मेरे हस्बैंड और मैं एक जैसे माघ में चाय पीते हैं तो ये फिर मैंने यहाँ पे इतनी वैरायटी तो नहीं थी लेकिन ये मुझे अच्छे लगे तो ये मैंने दो माघ लिए और बच्चों के लंच बॉक्स भी ख़राब हुए हुए थे तो ये मैंने लंच बॉक्स भी लिए ये बड़े स्लिम से ना और बड़ी इनमें मतलब कि काफ़ी इसमें चीज़ आ सकती है और डब्बल हैं ये ना तो कोई बच्चों को कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पेस्ट्री केक देना हो या फ्रूट भी साथ देना हो नमकीन के तो वो फिर मुश्किल हो जाता था लेकिन ये है कि इस पे इसमें मैंने देखा टू पार्ट्स में था ये ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए ये ले लिया और आपको पता है फिर तीसरे बच्चे का भी आना जरूरी है चाहे वो स्कूल गोइंग नहीं भी है तो उसके लिए मुझे बॉटल बड़ी अच्छी लगी वो पानी या कोई जूस वगैरह पीता है ना ग्लास में किसी चीज़ में तो अक्सर गिरा देता है तो मैंने कहा ये है भी प्लास्टिक की बॉटल और बड़ी अच्छी थी स्लिम सी तो ये मैंने उसके लिए ले ली मैंने कहा चलो गिरा भी देगा तो टूटेगी नहीं और ये प्लास्टिक के मैंने कुछ जार लेने थे शीशे के अक्सर टूट जाते हैं ना ड्राई फ्रूट और इन चीज़ों के लिए और मुझे इतनी खुशी हुई ये मैं समझी ये डबल जार है लेकिन घर आके जब मैंने इसको खोला तो ये इसके अंदर एक और छोटा सा जार था और मुझे इतनी खुशी हुई मुझे शॉप शौ, पूरी शॉपिंग से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इन जार की खुशी हुई कि मैं अपनी तरफ से ये दो लाई थी और तीन आ गए ना तो बस ये बाकी मैंने प्लास्टिक के जो जार लिए थे वो थे छोटे छोटे मैंने कहा चलो चीज़ें इसमें स्टोर अच्छी हो जाती हैं ना एयर टाइट में और ये चने मैंने डालने थे मैंने कहा चलो साथ ही मैं निकाल लेती हूँ इसमें और ये बटरफ्लाई ली थी मैंने अपनी बेटी के रूम के लिए और ये हैंग करने के लिए ना छोटी छोटी सॉक्स और वेस्ट वगैरह वो फिर नीचे गिर जाती हैं तो मैंने कहा ये सही रहता है और ये मेरे पास ना एक कैंडल स्टैंड है तो उसके लिए मैंने कैंडल्स ली थी प्लास्टिक के ना ये देखें बड़ी खूबसूरत मुझे लगी और ये मैं उस पर स्टैंड पे लगा के भी आपको दिखाऊंगी तो बड़ी प्यारी बनी हुई थी और ये मैंने केक के लिए ली थी नोजल्स मैंने कहा उसकी डेकोरेशन के लिए ना काफ़ी काम आ जाती हैं और डिफरेंट इसमें थी और ये मैंने ग्लव्स लिए थे पहले तो मैं स्कॉच ब्राइट के यूज़ करती थी लेकिन मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिया और ये मैंने बास्केट्स ली थी और फ्लावर्स लिए थे डेकोरेशन के लिए और बस मैं फिर अपनी राइट नाइट रूटीन भी आपसे शेयर करती हूँ बच्चों को भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा इनको मैं चिकन पकौड़ा बना देती हूँ और ये रात को बस ऐसी ही कोई चीज़ें खा के सोते हैं और मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है रात को बर्तन धो के किचन नीट करके सोऊं क्योंकि मेरी दादी माँ हमेशा कहती थी कि किचन साफ़ सुथरा रख के सो तो फ़रिश्ते बहुत बरकर डालते हैं ना खाने में और तब से मुझे ये होता है मुझे इस चीज़ का फोबिया समझ लें कि मैंने किचन को चूल्हे को हर चीज़ को नीट करके सोना होता है और वैसे भी आपको पता है कीड़े और ये कॉकरोच वगैरह नहीं आते तो रात को हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं नीट करके किचन सो मतलब कि बिल्कुल ड्राई करके शेल्फ़ वगैरह और एक ये भी बड़ा अच्छा रहता है कि आपने नेक्स्ट डे की थोड़ी सी तैयारी कर लें अगर आपने चने बनाने हैं या ये राजमा मतलब कि रेड लोबिया या कुछ भी तो वो मैं रात को ही भिगो देती हूँ उससे फिर ये होता है कि आसानी रहती है पकाने में ना बस सब किचन नीट हो गया था और मैं हमेशा बर्तनों को ना ऊपर से ढक के सोती हूँ कोई नेट वग़ैरह उस पर दे देती हूँ ताकि रात को आपको पता है कोई सो छिपकली ऐसी चीज़ें आ जाती तो फिर टेंशन ही रहती है मुझे तो इस तरह फिर मैं इसको कवर करके सोती हूँ और दूसरी टिप यह है कि रात को आप को हमेशा जो है ना घर थोड़ा सा नीट करके सोना चाहिए ताकि सब जब सुबह आप उठो ना तो सारा कुछ सिमटा हो इतना फिर मतलब कि बुरा भी नहीं लगता और कोई टेंशन नहीं ज़्यादा होती तो मेरी कोशिश होती है मैं रात को बच्चों से कहती हूँ कि वो मेरे साथ जो है ना सारे घर को नीट करें मेरी मेड भी इस चीज़ से बड़ी खुश होती है कि बाजी मैं आपके घर आती हूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाता है आपका घर सिमटा होता है तो बस ये बच्चों को मैंने साथ लगाना होता है और यहाँ पे आप राफ़े को देख रहे हैं कि वो कितना खुश हो के काम करता है और इस तरह ना बच्चों में भी आदत पड़ती है मतलब कि साफ़ सुथरे रहने की और उनको जब ये पक्की हो जाती है ना आदत बचपन की तो वो हमेशा साथ ही चलती है फिर वो भी इस चीज़ के पक्के होते हैं कि हमने अपने इर्द गिर्द जो है ना वो सफाई रखनी है और ये देखें पूरी कॉपी कैट आई हमारी तो बस इसने ये मिल के मतल अपनी सिस्टर के साथ जो है वो सारा घर नीट किया चीज़ें झाड़ी और सारा कुछ साफ किया तो इस तरह ये है कि सुबह बहुत आपको पता है ना जल्दी जल्दी हर काम हो रहा होता है तो आप घर थोड़ा सा जरा सिमटाओ ना झाड़ू ना भी लगा हो तो बस चीज़ें ही समेट लो तो घर साफ़ सुथरा लगता है ये देखिए आप पूरा टीवे लाउन चला के नीचे से फर्श पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें गिरी थी गंदा था लेकिन घर अब साफ़ हो गया और दूसरा ये है कि मैं बच्चों के यूनिफॉर्म चीज़ें सब कुछ रात को रख के सोती हूँ ताकि सुबह ना कोई टेंशन ना हो उनके शूज़ साफ़ करके ये इवन इनके कार्ड पोनी हर चीज़ में रख के सोती हूँ और ये मैं अपनी नाइट रूटीन शेयर करती हूँ ये आजकल मैं मॉइसचर मतलब कि क्लेंज़र ये यूज़ करती हूँ आपको पता है बहुत पुराना और बहुत अच्छा है और मॉइस्चराइज़र में ये डरमाए का लेके आई हूँ ये भी बहुत अच्छा है और ये मैं हाथों पाँव पर यूज़ करती हूँ निविया का लोशन बस फिर ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं सूरत मुल्क की तिलावत करती हूँ इसकी तिलावत करके मैं सोना तो मुझे बड़ी मज़े की नींद भी आती है और ख़ौफ भी नहीं होता ना रात को एक डर सा जो होता है वो भी नहीं होता और वैसे भी हमारे नबी पाक ससम की सुन्नत भी है कि सूरत मुल्क पढ़ के सोनी चाहिए खबर में आपको अजाब से बचाती है तो बस आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ओके टेक केयर अला हाफि